नारी शक्ति पुरस्कार आज 29 जन महिला देशर 29 जन महिला मिली आपण श्रुति महापात्र कथा शुणुते बर्तमान राजस्थान जन महिला आम सहित अच्छा बेगम बतल जे कि राजस्थान रु बिलंगस करती राजस्थान रो भजन से गान करती प्यारिस भली जगार जा संगीत गान करती खास करी होली एवं दिवाली रे ये दुईट फंक्शन में सी न गले फंक्शन हुए नी सीधा साल सहित कथा मैडम आज पुरस्कार मिलने के बाद कितना खुशी मिला है आपको? मुझे बहुत ही खुशी मिली। आज मैं इस जगह पहुंची और मेरे को पुरस्कार मिला तो बहुत ही बड़ी बात है। इनका सबका मैं धन्यवाद देती हूं सबको। और मैं भजन भी गाती हूं, मैं माड भी गाती हूं। मैं आपके ज़माने में जो गाना चलता था अभी ज़माने में जो गाना चल रहा है काफ़ी अंतर आ गया है गाने में। अच्छा। लेकिन फिर भी आप गाने के साथ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे गा पाते हैं पुराने गाना और नए गाने में क्या अंतर देखते हैं? पुराना पुराना बताऊं आपको, नया बताऊं? पुराना। हवा से उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हवा से उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी हो जी। ऐसे गाना जो आप गाना शुरू किए कित मतलब कौन सी उम्र में शुरू किए ये याद है आपको अभी? कैसे शुरू किए थे? मैं 8-10 साल की थी। अच्छा। जब से शुरू कर दिया। हाँ परिवार का? अब वैसे मैं पढ़ी लिखी बहुत कम हूँ। हाँ। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं 8-10 साल की थी ना जब से मैं गाना की रुचि। फिर भी आपका कला को पहचान के आज भारत सरकार ने आपको पुरस्कृत किए हैं उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल नहीं जानती और मैं ये गाना नहीं सीखती तो मैं यहाँ कहाँ पहुँचती हैं। और मेरा बहुत ही बड़ा कोई नसीब है जो मैं इधर पहुँच गई। बढ़िया। मैं गाना आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए लोगों को अच्छा लगे या क्योंकि गाने के माध्यम से भी हम समाज को बहुत सारे चीज मैसेज दे पाते हैं, गाना आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए क्योंकि आजकल की गाने में और पुराने गाने में बहुत अंतर है, गाना कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? गाना पुराना होना चाहिए और मैं पुराना गाना ही पसंद करती हूँ। जो हमारा संस्कार है, जो हमारा कल्चर है उसी हिसाब से। और बच्चों के लिए मैं ऐसे करती हूँ कि भाई सबको सिखाऊं मैं पुराना गाना। और ये मैं गाती हूँ ना, हजारों साल की मांड है मेरे पास, हजारों साल का गाना है, भजन है। जो विदेश जाके जो आप गाना गाने के बाद ही प्रोग्राम होता है वो गाना के एक शब्द सुनना चाहिए भजन के लिए पूछना, जिससे आप शुरुआत करती हैं अपने होली के और दिवाली के शुरू से। होली के तो देखो गणेश जी का भजन करती हूँ, गणेश जी का भजन से चालू करती हूँ। और वैसे मैं गाने के लिए बैठ जाते हैं तो कोई भी गाना गा लेती हूँ। धुंधला गज बंदना तो सदा सुहाना बेस, सारा पेली सिवरिये गवरी पुत्र गणेश। प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंदी, प्यारा गजानंद देवा, प्यारा गजानंद खेलतड़ा घर आओ जी, आओ मारा प्यारा गजानंद घूमतड़ा घर आओ जी, आओ मारा प्यारा ओ गजानंद। केमती गणेश को भजन गाउछंती रूम ठिया हो जाउची गुटे पुराना भजन मध्ये से गाइले तांकर जने स्टूडेंट अछंती तांकर सहित मध्ये प्रतिक्रिया नबा। आपके मैडम को आज अवार्ड मिला है, आपको कितना खुशी हो रहा है आज के? आज हमें बहुत खुशी हो रही है और इनके सारे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं आज कि उन्होंने उनके टीचर ने आज इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और हम चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसी ही ऊँचाइयाँ छूते रहे और हमारे को और म्यूजिक सिखाए और बच्चों को ऐसे ही इंस्पिरेशन देते रहे। आपका भी इंस्पिरेशन बढ़ेगा मैडम जी को अवार्ड मिलने के बाद? बहुत बड़ा है। अच्छा। और बच्चों का बढ़ेगा आगे। तांको नाती आम सहित अच्छा गोटे प्रतिक्रिया नवा सी कहते जे प्यारिस सी नगले फंक्शन हुए नहीं। आप बता रहे थे अभी मैडम जी जाने के बिना वहाँ पे फंक्शन नहीं होता है,
कहाँ कहाँ कितने देश घूम चुके हैं, कैसे गाना पसंद है इनको गाने के लिए? तो दादी जी जो हैं ये यूरोप में 25 करीबन देश ये घूम चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने अपनी कला की प्रस्तुति दी है। और यूरोप के अंदर फ्रांस में पेरिस में जो होली का फंक्शन होता है, होली का सेलिब्रेशन होता है, जो कि लुई विटों फाउंडेशन कराती है, उसमें हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। और वो जो होली का सेलिब्रेशन है उसकी शुरुआत दादी जी की गणेश वंदना से ही होती है। होली हो दिवाली हो, तो पूरा फैमिली कितने गर्व महसूस कर रहे हैं आज प्रेसिडेंसी जी से अवार्ड मिली है। ये तो मतलब सर्वोच्च मतलब गर्व की बात है कि इससे कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती है। पूरा परिवार मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है और उनको खुशी है कि इनके हर कदम पे उन्होंने इनको सपोर्ट किया है और इनको कभी रोका नहीं, क्योंकि इनके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। परिवार के बोझ के साथ वो आगे गए, वो आगे गया है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें कई लोगों ने रोकने की भी कोशिश की कि ये एक औरत होके क्यों गा रही हैं लोगों के सामने, लेकिन हमने इनको हमेशा ही सपोर्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा इनके टाइम में भी होता था, इनके वक्त में तो बहुत होता था, इसीलिए इनको इतना वक्त लग गया, वरना हो सकता है ये और पहले अच्छी और ऊपर कला अपनी प्रस्तुत कर पाती। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट सर ने इनको जो ये अवार्ड दिया है वो इतना प्राउड मोमेंट है हमारी पूरी फैमिली जयपुर राजस्थान के लिए, तो उसके लिए तो शब्द कम। हम जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर राजस्थान से। निश्चित भाव आप शुणुले नाची स्टूडेंट और सी निजे प्रतिक्रिया रखुते यही अनेक जुएल भारतवर्षर अच्छा जो मानक छाणिकी आणिक पुरस्कृत कर तो निश्चित भाव महिला दिवस परी जो मैंने चाहूबे पर बोझ सहित ए लाइन में कैरियर करने निश्चित भाव से कंटिन्यू करूँ, निश्चित भाव आप दिन ना दिन सफलता मिल ए दिमत नाई। नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन निरसित गगन अगस्त न्यूज़।